दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको आईफोन से भी कम कीमत में शुरू होने वाला पूरा प्लान दिखाने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा। और हाँ दोस्तों, इस बिंदु से लगाकर आप एक महीने में 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक आसानी से कमा सकते हो, वो भी गारंटी के तौर पर। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए बिंदु से पूरी जानकारी लेते हैं। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो नए नए शहरों से सर्च कर लाती रहती हूँ। दोस्तों मैं शिल्पी सिंह, आपका स्वागत टेक्निकल लेडी में। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। हेलो सर, नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते मैम, मैं फाइन हूँ। तो सर सबसे पहले आप हमारे दोस्तों अपना नाम बताइए, अपनी कंपनी कहाँ पर, पूरे परिचय दीजिए। और दोस्तों मेरे कंपनी का नाम है श्री श्रद्धा मशीनरी, मेरा नाम मितेश पंचाल है और मेरी कंपनी आती है अहमदाबाद ऑर्डर रिंग रोड पे। ओके है। तो सर आप कौन कौन सी मशीनें बिल करते हैं? मैम मैं फ्लाइज ब्रिक मशीन है जो अभी मार्केट में नया ट्रेंड चल रहा है, मैं इसकी डील करता हूँ। अच्छा अच्छा, आज के वीडियो में आप हमारे दोस्तों को कौन से नया बिजनेस बारे में बताने जा रहे हैं, पूरी जानकारी दीजिए। दोस्तों मैं आपके लिए लाया हुआ एक नया बिजनेस आइडिया जो है फ्लाइज हैश ब्रिक मशीन। ये बिजनेस इतना अच्छा है, पर मंथ आप 1 लाख कमा सकते हो। ये मशीन छोटा काम ज्यादा प्रॉफिट। अच्छा, मतलब छोटी मशीन बड़ा पैसा। तो सर ये मशीन जो देख रहे हो, इसी मशीन की फ्राई पीस बनकर तैयार होती है? हाँ मैम, ये जो मशीन देख रहे हो इसमें आपका फ्लाइज ये ब्रिक्स रेडी होता है। आप अच्छा, देख सकते हो ये ब्रिक्स की क्वालिटी कितना। तो सर ये फ्लाई मशीन कैसे बनकर तैयार होती है, क्या क्या मिलाया जाता है? मैम इसमें जो मिक्स होता है, इसमें फ्लाइज होता है, स्ट्रॉन्ग डस्ट होता है, सीमेंट होता है, ये तीनों मटेरियल मिक्स किया जाता है। अच्छा सर, जैसा कि आपने ये सीट में बताया कि फ्लाई ब्रिक्स यूज किया जाता है, तो फ्लाई किस मतलब राख कहाँ मिलेगी, कोले राख कहाँ पे मिलती है? दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि अगर मशीन लेने के बाद मटेरियल क्या मिक्स होगा, मटेरियल कहाँ से मिलेगा, तो मैं वो पूरी जानकारी आपको दूंगा इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ये फ्लाइज, अगर आपके एनटीपीसी जो बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट, वहां से ये फ्लाइज आपको अवेलेबल हो जाता है। दूसरा मटेरियल स्ट्रॉन्ग डस्ट रहता है, तो आपके सभी जगह पे आपको स्ट्रॉन्ग डस्ट मिलेगा। और तीसरी जो जिसको सीमेंट बोलते हैं, ये सीमेंट इसके अंदर मिक्स करना है, और जो सीमेंट जो मिक्स करोगे वो ओपीसी रहेगा, पीपीसी मत डालना। पीपीसी में आपको अगर केमिकल डालना पड़ेगा, ओपीसी में जो रहता है अगर ब्रिज वगैरह बनता है जहाँ पे गवर्नमेंट टेंडर जब डालते हैं तो उसमें ओपीसी सीमेंट यूज होता है। सर जैसे कि बहुत सारे पावर प्लांट नहीं है, वहाँ पे फ्लाइज नहीं है, तो तब क्या ऑप्शन है? दोस्तों अगर आपके नियर बाय कोई एनटीपीसी कोई थर्मल पावर प्लांट नहीं है, तो इसमें इस मशीन के अंदर आप स्टोन डस्ट सीमेंट ये दोनों मिक्स कर से भी आप बना सकते हो। और ये मशीन पूरा मल्टी है, अगर आपको फ्लाइज से बनाना तो फ्लाइज से, या स्टोन डस्ट से बनाना स्टोन डस्ट। और दूसरा प्लस पॉइंट दोस्तों ये है आपके लिए, ये मल्टी मशीन है जिसमें आपको पेवर ब्रिक्स और बड़ा ब्लॉक तीनों मैन्युफैक्चरिंग होंगे। हालांकि जो पेवर बनेंगे वो आपका आंगन में लगेगा, आपको फुटपाथ पे नहीं लगेगा, क्योंकि उतना स्टैंड नहीं मिल पाएगा, तो आप वो बना सकते हो, पेवर भी बना सकते हो। और ये मशीन ऑल इन वन वन होने वाली है? हाँ, ऑल इन थ्री वन है। अच्छा मैं सर जैसे कि आपने हमारे दोस्तों को बताई मशीन ब्लॉक बनके तैयार होते हैं, क्या आप हमारे दोस्तों को ब्लॉक दिखा सकते हैं कैसे बनके तैयार किया है? दोस्तों मैं आपको बता दूं ब्लॉक कैसे बनेगा और किस तरह से क्वालिटी आती है। आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लॉक बना हुआ है, इसी मशीन से ब्लॉक बना हुआ है, और इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो कितना बेहतरीन क्वालिटी निकला हुआ इस मशीन के अंदर। इसमें जो ब्लॉक का साइज रहता है 12x6 है, 12x8x9 है, 16x8x8 है, 16x6, 16x8x4 है। इसमें सब मैन्युफैक्चरिंग होता है, आपको जो भी बनाना है, ये मल्टी मशीन है। अच्छा। इसमें सब कुछ बनेगा। तो सर इस मशीन से हम कितने ब्रिक्स बना के तैयार कर सकते हैं? मैम इसमें 4 ब्रिक्स निकलते हैं। अच्छा, आप देख सकते हो यहाँ पे 4 पंच और 4 रिंग दिया हुआ है यहाँ पे, तो 4 ब्रिक्स आराम से निकल जाएगा। अच्छा, और इसकी फिनिशिंग एकदम बढ़िया है, और स्टैंड भी बहुत बढ़िया दिया हुआ है, एकदम हैवी मॉडल मैंने बनाया हुआ है। आप कहीं इंडिया घूम लो ऐसा मॉडल आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो सर ब्लॉक्स बनाने के लिए हमें डाई चेंज करनी पड़ती होगी? हाँ मैम, अगर आपको कुछ भी बनाना है, जैसे मान लीजिए ब्लॉक बनाना है या ब्रिक्स बनाना है या पेवर बनाना है, तो इसमें पंच और रिंग दोनों चेंज करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। हाँ अगर आप बोलते हो सर मुझे ए साइज की डाई चाहिए, तो हमारी कंपनी आपको मैन्युफैक्चर करके देगी, आपकी साइज की रिक्वायरमेंट से हम मैन्युफैक्चर करते हैं। तो सर आपके यहाँ इन मशीन मैन्युफैक्चरिंग की जाती है? हाँ, हमारे दोस्त अपने हिसाब से मशीन बनवा सकते हैं। मैं कस्टमाइज मशीन बनाता हूँ। अच्छा। आप जैसे रिक्वायरमेंट आपका रहता है उस हिसाब से मैं आपको बना के दूंगा।
ये मशीन जो मैं देख रही मशीन क्या हमारे घरों पे चल जाती है क्या? मैं एक मल्टी मशीन बनाया हुआ है, जैसे मान लीजिए इसमें अगर सिंगल पेज चाहिए, अगर घर की बिजली से चलाना है तो मशीन घर की बिजली से भी चल सकता है। सर इस मशीन का पर डे प्रोडक्शन कितना है? मैम इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी 3000 है, अगर आप कॉन्क्रीट ब्लॉक बनाना चाहते हैं तो 1000 प्रोडक्शन निकलेगा। लाल ईंट में और इस ईंट में क्या अंतर है सर? मैम लाल ईंट और इस चीज में अंतर है, अच्छा। इसमें जो ये फ्लाई से बना हुआ है आप देख सकते हो इसकी स्ट्रेंथ 4 गुना दुगना है, अच्छा। अगर लाल ईंट और ये फ्लाई को अगर टकराओगे ना तो लाल ईंट टूट जाएगी और इसको कुछ नहीं होगा, अच्छा। इसमें 4 गुना दुगना पावर है जैसे जी। तो सर हम इस ईंट में अपना ब्रांड दे सकते हैं क्या? अगर आपको इसमें नाम लिखना है तो ऐसे बीबी करके नाम भी लिखा हुआ है, अच्छा, देख सकते हो यहाँ पे जी जी, अपना कोई भी ब्रांड दे सकते हैं। और यहाँ पे भी देख सकते हो यहाँ जे लिखा हुआ है जी जी, हाँ ऐसा आप नाम भी लिख सकते हो, अच्छा। सर ये मशीन लगाने के लिए कितनी जगह आवश्यकता होती है? मैम इसको लगाने के लिए 10x10 की जगह चाहिए, अच्छा। सर इस मशीन को चलाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है? मैम इसको चलाने के लिए ऐसे तो 2 लेबर की जरूरत है, अकेला मशीन चलाना है तो जी जी। अगर आप मिक्सर लेना चाहते हो तो 3 आदमी की जरूरत पड़ती है। इसमें टोटल पावर जो लगता है जी, टोटल 3 HP लगता है, 1 HP जो अपना वाइब्रेशन है और 2 HP जो रहता है ऑलरेडी टैंक में डाला हुआ है। ये मशीन आपको पूरे इंडिया में नहीं मिलेगी, अच्छा अच्छा, क्योंकि ये सिंगल पेस और 3 पेस में हमने मैन्युफैक्चर किया हुआ है, अच्छा। और बेहतरीन क्वालिटी है और ब्रिक्स में इतना स्ट्रेंथ मिलेगा तो आप गवर्नमेंट में भी आप सेल कर सकते हो ब्रिक्स। सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना करना चाहूंगी, ये मशीन की प्राइस क्या है? अगर मैं कोई 10 सेकंड की वीडियो देख रहा तो उसके लिए क्या डिस्काउंट मिलेगा? अगर मैडम इसका प्राइस तो 80,000 है, अगर आपकी चैनल के माध्यम से आता है तो मैं इसको 4,000 डिस्काउंट दूंगा। क्या सर डिस्काउंट मिलेगा? हाँ मैम मैं आपकी चैनल से आता है तो मैं इसको 4,000 डिस्काउंट दे दूंगा। क्या बात है सर। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लियो, इस वीडियो पूरा देखिए क्योंकि आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। सर लाल ईंट यूज बहुत जगह किया था, हर जगह किया था, पूरे इंडिया में किया था, तो हमारे दोस्त इस मशीन का यूज क्यों करें? मैडम अभी हालांकि आपको पता है कहीं जगह पे गवर्नमेंट ने लाइसेंस रिन्यू करना बंद कर दिया है, अच्छा। और कहीं जगह पे अभी बैन कर दिया है लाल ईटा का भट्ठा, हाँ कहीं जगह पे चल रहा है, उन्हों खानगी क्षेत्र में चला रहे हैं। और इसमें जो खासियत है इसमें 4 गुना स्ट्रेंथ मिलती है, और लाल ईटा भट्ठा जो शुरू कर रहे हैं अगर वो भट्ठा मिनिमम 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे तभी वो भट्ठा शुरू होता है। जैसे मान लीजिए चिमनी लगाना, ये मशीन में 4 लेबर लगते हैं तो उसमें आपको 100 लेबर या 50 लेबर की जरूरत पड़ती है, तो इसमें इतना फायदा है कि इसमें 4 लेबर में आपका मशीन चल जाएगा। तीसरा पॉइंट, लाल ईटा भट्ठा में उसमें पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है तो इस मशीन के अंदर कोई पॉल्यूशन नहीं है, अच्छा। उसमें खड्डा करके जमीन आपको दूसरी चाहिए तो इसमें प्लस पॉइंट है, इसमें भी 10 फीट में आपका मशीन चालू हो जाता है। और चौथा पॉइंट वो है गवर्नमेंट उसमें लाइसेंस आपको नहीं दे रही है। चौथा पॉइंट इसमें ये है गवर्नमेंट आपको इसमें सब्सिडी 35% दे रही है। पांचवा पॉइंट, जो लाल ईटा की जो स्टैंड है इससे ये फ्लाइस की जो स्टैंड है इसमें 4 गुना दुगना उसमें आपको स्टैंड मिलती है, अच्छा। तो सभी जगह पे गवर्नमेंट और मैं आपको 35% सब्सिडी दे रही है, अच्छा। और कहीं जगह पे आपको 45% भी दे रही है, कहीं जगह पे आपको 55% भी सब्सिडी मिल रही है। तो दोस्तों आपके लिए लाया हूं मैं नया बिजनेस, नया आइडिया और नया मशीन आपके बजट के अंदर। जैसे मान लीजिए आप एप्पल का आईफोन खरीदना चाहते हो तो 1 लाख रुपए में पड़ता है, तो दोस्तों एप्पल का फोन मत खरीदिए, तो ये मशीन फ्लाइस का खरीदिए, आपका बिजनेस स्टार्ट कीजिए और इसी बिजनेस में आप 10 गुना एप्पल का फोन परचेस कर सकते हो, इतना गारंटी है दोस्तों। ये मशीन आपको महीने का 90,000 कमा के देगी, मेरा गारंटी है। 1 ब्रिक्स के पीछे आपको 1 रुपया मिलता है दोस्तों, ब्रिक में पैसा मिलता है 1 रुपया, आप मेहनत करेंगे तो ज्यादा कमाएंगे, तो ज्यादा बड़ा मशीन लोगे तो हर महीने आप 2 लाख का प्रॉफिट कमाएंगे, वो मेरा चैलेंज है, मेरा गारंटी, मैं आपको लिख के देता हूँ। सर अगर कोई दोस्त हमारे मशीन खरीदता है उसे चलाने नहीं आती हो, आप तरफ से क्या सुविधा मिली है हमारे दोस्तों के लिए? अगर सर अगर मशीन अगर मेरे दोस्त अगर परचेस करते हैं, अगर उसको मालूम नहीं मशीन कैसे चलाना है, क्या करना है, कैसे मटेरियल मिक्स करना है, मशीन का कुछ नॉलेज नहीं है जी, तो दोस्तों मेरा आदमी आपके वहाँ आएगा और आपको पूरा टेक्निकल चीज समझाएगा, अच्छा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप मेरे वहाँ कंपनी में भी विजिट कर सकते हो, मैं यहाँ पे आपको मशीन चालू करके मैं आपको दिखा सकता हूँ, अच्छा, या फिर मैं आपको साइट विजिट भी करा सकता हूँ, लाइव डेमो आपको कस्टमर के वहाँ ले जाऊंगा। सर मेरे दोस्तों को इस मशीन को चालू देखना है तो चालू करके दिखाइए इस मशीन से कैसे फ्लाईओवर्स बनके तैयार किया जाए। आए दोस्तों मैं मशीन आपको चालू करके दिखाऊंगा जी, आप देखिए मशीन की क्वालिटी जो ब्रिक्स में निकलेगी आप एकदम बेहतरीन निकलेगी, मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ, अच्छा, दोस्तों जी।
दोस्तों आप देख रहे हो या रिंग के अंदर मटेरियल डाल रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे मैनुअल फिटिंग हो रहा है जी। तो सर इसमें क्या क्या मिलाया गया है? मैडम इसमें फ्लाइस, स्टॉन्डस और सीमेंट मिक्स किया हुआ है। तो अभी आप देख सकते हो अभी फिटिंग हो गया है जी जी। अभी फिटिंग होने के बाद एक बार वाइब्रेशन करना पड़ेगा ताकि उसका लेवल आ जाए। इसमें दो बार फिटिंग करना पड़ता है जी जी। तो पहले सर हमें इसको मिक्स किया जाता है, तीनों चीजों मिक्स किया जाता है। लेवल में लिया नहीं निकला। अभी आप देख रहे हो सिलेंडर नीचे आ रहा है, आप देख सकते हो जी जी। इसकी क्वालिटी कितना बेहतरीन निकलेगा एक बार चेक कर सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी कितना बेहतरीन निकला हुआ है, आप देख सकते हो जी जी। देखो दोस्तों आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी एकदम बेहतरीन है। ये क्वालिटी ऐसा कहीं आपको क्वालिटी नहीं देखने के लिए मिलेगा जी सर। आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी फिनिशिंग देखिए, चार ओर से उसका कोना एकदम बढ़िया निकला हुआ है, कहीं कोना टूटा हुआ नहीं है, देख सकते हैं आप। सर एक दिन के अंदर कितने प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है? मैम एक दिन के अंदर 3000 ब्रिक्स आराम से रेडी हो जाता है। अच्छा। स्विच है, वाइब्रेशन का है, ये लीवर का है, ये हाइड्रोलिक बोलते हैं। पहले जो मैनुअल का जमाना था वो चला गया है, अभी हाइड्रोलिक मैनुअल चालू हो गया है क्योंकि इसमें प्रेशर की जरूरत पड़ती है। पहले मैनुअल में था, हैंड से बहुत प्रेस करना पड़ता था तो आदमी की लागत बहुत आती थी। अभी एकदम मिनी कॉम्पैक्ट मैनुअल ब्रिक मशीन हाइड्रोलिक बनाया हुआ है तो अभी मार्केट इसी का डिमांड कर रहा है। तो सर हम मार्केट में कितने रुपए तक का सेल कर सकते हैं? मैम ये पड़ता है आपको 3.5 रुपए में ब्रिक्स पड़ता है जी। आप आराम से 5 रुपए में सेल कर सकते हो जी, मतलब बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा मुनाफा। अगर आपके पास क्वांटिटी ऑर्डर है, जैसे मान लीजिए एक दिन का आपका 10,000 ब्रिक्स का ऑर्डर आ गया तो आप 50% भी मार्जिन रखोगे तो 5,000 रुपए आपका मुनाफा कहीं भी नहीं जाएगा। सर इसके अलावा आपके पास और कौन सी मशीनें, जैसे सेमी ऑटोमेटिक होती है, फुल ऑटोमेटिक होती है, आपके पास मिल जाएगी क्या वो मशीनें? अगर दोस्तों आपको मेरे पास से मैनुअल मशीन के अलावा आपको मैनुअल, सेमी ऑटो, ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक बैचिंग प्लांट के साथ जो आता है मशीन, वो मेरे पास और मॉडल अवेलेबल है। अगर आपको देखना है दोस्तों मैं आपको मेरी कंपनी में विजिट करा देता हूँ, आप देख सकते हो मेरे पास ऑल मॉडल अवेलेबल है। और आपको प्रेजेंट में मशीन देखना है तो भी आपको मिल जाएगा, कभी भी आओगे तो भी मशीन मिलेगा। हालांकि कोई कंपनी ऐसा मशीन रेडी करके कोई नहीं रखती है, हमारी श्री इशरा देवी मशीन है, वो पूरा डेमो यहाँ पे आउटलोड यहाँ पे सेट किया हुआ है। आपको जो भी मशीन देखना है तो यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सर मशीन से जो ब्रेक निकल के तैयार होती है तो पूरे तैयार होने में कितना टाइम लग जाता है? मैम ये ब्रिक से ना आपको 5 डेज आपको वाटर प्रूफिंग करना है। अच्छा। वाटर प्रूफिंग इसलिए 5 डेज करना पड़ता है, इसकी जो स्टैंड रहती है ना जो लाल ईटा रहता है उससे 4 से 5 गुनी दुगना स्टैंड मिले, इसलिए इसको 5 दिन के बाद ही आपको सेल करना है। तो सर आपके यहाँ डिलीवरी इंडिया में, इंडिया के बाहर भी, हम बहुत से दस बाहर रखे हैं। दोस्तों अगर आपको मशीन चाहिए, मैं इंडिया के बाहर भी सेल करता हूँ, जैसे कि नेपाल है, साउथ अफ्रीका है, कहीं जगह पे मेरा मशीन गया हुआ है। अच्छा। अगर इससे भी बड़ा आपको मशीन परचेज करना है तो मेरे पास सब मॉडल अवेलेबल है जी। तो एक बार आप विजिट कीजिए, एक बार जरूर आइए मेरी कंपनी में विजिट कीजिए। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल करके भी आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। आइए सर मैं आपको ले चलता हूँ, मेरा ऑटोमेटिक प्लान आपको विजिट कराता हूँ, मेरे पास सब मॉडल अवेलेबल है जी। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 4 ब्रिक्स वाला या 5 ब्रिक्स वाला यहाँ पे मॉडल रखा हुआ है जी। आप देख सकते हो यहाँ पे ये एमपी के लिए मैंने रखा हुआ है, एमपी का कस्टमर मेरा जो 5 ब्रिक का मशीन का ऑर्डर दिया हुआ है। अच्छा। तो यहाँ पे सब मॉडल अवेलेबल है, ये भी एमपी का है, 4 ब्रिक का मशीन का ऑर्डर है। आप अभी देख सकते हो लाइव यहाँ पे मेरे पास बहुत ऑर्डर सारे दिए हुए एमपी के ही है सब। आप देख सकते हो यहाँ पे 4 ब्रिक ऑटोमेटिक है जी। यहाँ पे देख सकते हो ये बिहार का मशीन रेडी किया हुआ है। अच्छा। सारी चीज ऑर्डर में है, मशीन सारी। हाँ मेरे पास ऑर्डर मेरे पास बहुत सारे है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्वालिटी आपको मिलेगी, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं रहेगा। 6 ब्रिक का है, आप देख सकते हो यहाँ पे जी जी। आइए देख सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा, इसके अलावा भी ये ऑटोमेटिक ब्रिक है जी। ये पैलेट आपको आगे रखना है और फीडर पीस करेंगे, ये भी मशीन ऑटोमेटिक ही है, आप देख सकते हो यहाँ पे जी सर। ये भी 4 ब्रिक का ही है, ये भी ऑटोमेटिक ही है, आप देख सकते हो। और ये सेमी ऑटो है। अच्छा अच्छा। हाँ अगर मेरे दोस्तों को जो भी मॉडल चाहिए आप देख सकते हो, ये कॉन्क्रीट ब्लॉक का मशीन है, आप देख सकते हो यहाँ पे रेडी स्टॉक में अभी अवेलेबल है। अच्छा सर। हाँ
ये पैन मिक्सर है, आप देख सकते हो यहाँ पे। आइए सर, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा पेवर ब्लॉक प्लान पड़ा हुआ है। जी जी, ये ऑर्डर का है, त्रिपुरा का है। अच्छा, त्रिपुरा का रेडी किया हुआ प्लान है। यहाँ पे इस मशीन के अंदर आपको पेवर ब्लॉक्स, ब्रिक्स ब्लॉक्स, कर्बस्टोन, ऑल ब्लॉक्स इसमें मैन्युफैक्चर कर सकते हो। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हो सब प्लान यहाँ पे पड़ा हुआ है रेडी स्टॉक में मेरे पास। अभी कभी भी आएंगे आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। आइए, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक पेवर ब्लॉक का प्लान भी है और ब्रिक्स का भी प्लान है, ऑटो स्टिकर के साथ यहाँ पे रखा हुआ है। दोस्तों, मेरे पास ऑल मॉडल अवेलेबल है, आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। मशीन एकदम हैवी सिलेंडर मैंने दिया हुआ है, 10 ब्रिक का प्लान है। आप देख सकते हो यहाँ तक इतना हैवी कोई नहीं देगा आपको। इसकी बॉडी आप देखिए, एकदम चट्टानों जैसी बॉडी आप देख सकते हो यहाँ पे। जी जी जी, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक बेल्ट कन्वेयर है। सर ये क्या है? ये 18 फीट का बेल्ट कन्वेयर है। अच्छा, हाँ, यहाँ इंस्टॉलेशन कम्प्लीट किया हुआ है, जिसके साथ यहाँ पे दो पैन मिक्सर भी दिया हुआ है। जी जी, तो सर आपके यहाँ सभी प्रकार की मशीनें मिल जाएंगी? हाँ, मेरे वहाँ ऑल मॉडल अवेलेबल है। अच्छा। दोस्तों, अगर आपको विजिट करना है तो मेरी कंपनी में आइए और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप ऐड कर सकते हो, 9722038 0। बाकी सब डिटेल आपको डिस्प्ले में मिल जाएंगे, वहां से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वहां पे मेरे 3-4 नंबर डाले हुए, वहीं से भी आप अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो वहां से भी आप जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आप इस मशीन के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या अगर मेरे कोई भी सवाल है, नीचे दिए नंबर संपर्क कर सकते हैं और हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे नए नए बिजनेस वीडियो लाती रहती हूँ। दोस्तों, बहुत ही जल्द मिलेंगे हम आपसे एक नए बिजनेस वीडियो के साथ। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।